रोड रोलर चल के घर 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 मतलब मन क्या मेरे को हुआ बोलिया डिस्को डांसिंग का जेगा तोले भी वहां ले आप बोला वो मजा रोड रोलर चल के घर 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 वो खाले में डांग खाली के ओ तो हो गई हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी थोड़ा सा बनी। गुड मॉर्निंग सब सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। शाम है काली सी कोई स्याही लिख दो। सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपकी और आपकी फैमिली को हैप्पी रामनवमी। मतलब आप ब्लॉग देख रहे हो तब तो नहीं थी, कल थी रामनवमी, लेकिन आज अभी जब मैं ब्लॉग कर रहा तब है रामनवमी। सो मैं आपको विश कर रहा हूँ रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्र भी खत्म होने आए, नवरात्र की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने बताना भूल गया था, लेकिन सबको बताइए नवरात्र चल रहा है, आज लास्ट दिन है और कल से नवरात्र खत्म। बीच में हम सोच रहे हैं, अभी शूट कल था लेकिन कल नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अरेंज नहीं थी। तो अभी 20 को करने वाले हम, जो हमने शूट किया अभी अपने ब्लॉग में देखा उसका हाफ पार्ट। ये वाला जो वीडियो आ रहा है भाई, पप्पा साथ है बैठक, ये हमारे केएफ वाले जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि ये वीडियो जब होता है तब बहुत ही ज्यादा धमाल। और पीने वाले के लिए खास हम बनाते हैं ये सीरीज जो हमारी पप्पा साथ है बैठक, उसका पार्ट 2 या 3 आ रहा है भाई। बहुत मजा आएगा, बहुत जबरदस्त वीडियो बना है, बहुत फन वीडियो। तो वो वीडियो मेरे को एडिट करना है, मतलब 20% शूट होना बाकी है, वो हम 20 को करेंगे और 21 को डाल देंगे। तब तक मैं पूरा एडिट करके रेडी रखता हूँ। ऑलमोस्ट रेडी तो हो ही है रफ एडिट पूरा, अब बस म्यूजिक ही करना है। भाई मैं घर देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात श्योर बता रहा हूँ कि ये मंथ के एंड होते होते फाइनल कर दूंगा कौन सा घर। देख सब रहे हो, देखो एक ही बार लेना है, ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही बार लेना है, लेंगे आगे जाके और बढ़ा लेंगे, लेकिन लेना अभी है तो ये सोचते कि एक ही बार लेना है तो क्यों ना एकदम बेस्ट से बेस्ट ले। तो सारी चीज़ें देख ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे ओलपाड़ साइड बहुत लोगों ने बोला था तो फार्म टाइप घर भी है, मतलब अपने घर में स्विमिंग पूल गार्डन सब। तो किसी का भी ये ड्रीम हाउस होता है कि सब घर में सब चीज़ें हो, स्विमिंग पूल गार्डन वो सब सारी चीज़ें थी। तो उस तरीके से भी मैंने देख ली। अभी कल के जो फार्म है उसमें एक लास्ट वाला फार्म था ना, मैंने आपको कल के वीडियो के एंड में बताया था, वो मेरे को पसंद आया, लेकिन फिर से एक बार वहाँ डिटेल के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी एक वो जो मैंने आपने को बार बार दिखाया घर, उस पर तो मेरे को 100% भाई भरोसा है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करनी बाकी है, वो 2-3 दिन में डिस्कस हो जाएगी। तो मैंने सोच रहा कि देख लूँ तब तक जो घर देख सकूँ, तो देख तो लिए ऑलमोस्ट, बस अब डिसीजन लेना है कि कौन सा लें। जल्दी बताएंगे, जल्दी मतलब जल्दी, एकदम जल्दी बताएंगे। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। और आपकी भाभी का फेस रिवील, बहुत लोग को ये सवाल है फेस रिवील कब करोगे, क्या डेट होगी। देखो मैंने डेट नहीं सोची है, लेकिन मैं उसके साथ मिलके बैठ के डिसाइड करने वाला हूँ। लेकिन मैंने जिस तरीके का फेस रिवील सोचा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग और आपके लिए गिफ्ट होगा। देखो उसका फेस रिवील, आपकी भाभी का फेस रिवील तो आपको आपके लिए गिफ्ट है ही, लेकिन भाई जिस तरीके से मैंने सोचा है ना, वो एक और गिफ्ट है। तो बस पॉसिबल है ही, ऐसा भी नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा अभी कि देखते हैं क्या पॉसिबल हो पाए वो हो पाए ऐसे, लेकिन वो है ही पॉसिबल और वही करूँगा मैं फाइनल। बस अभी एक बार मैं डिस्कस कर लूँ घर पे उसके साथ सब जगह, और एक डेट निकालूँ और उस डेट पे वो फेस रिवील आएगा और वो 2 गिफ्ट लेके आएगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, जिस मतलब मेरे माइंड में ऐसा आइडिया आ गया, वो एक गॉड गिफ्ट था क्योंकि ये जो चीज़ थी ना वो मेरे पास ही थी, लेकिन उसको मैं फेस रिवील के साथ लेके आऊँ वो एक बड़ी चीज़ हो गई। मतलब आप सब के लिए 2 गिफ्ट मिल जाएंगे आपको, तो ये बहुत अच्छा हो गया। तो बताएंगे आपको, जल्दी बताएंगे, ये मंथ में ही बताएंगे। कल गाड़ी का गोलमाल सुन तू पूरा, इधर से गए, मैं लालू के साथ आया था। नहीं, सुबह के साथ नहीं, अड्डी का नहीं है, अड्डी का क्या, कौन सी अड्डी का है, ये देख पीछे क्या लिखा है, BMW स्कॉर्पियो इको, उसमें ही बात करने का। सुबह मैं निकला घर से बुलेट लेके, फिर विरल के वहाँ पहुँचा, विरल बोलता है बुलेट रख दे, एक पे ही चले जाते, वहाँ से मैं बुलेट वहाँ पे रख दी, वहाँ से आया ऑफिस, फिर ऑफिस पे शाम को जाते टाइम कहाँ गए थे अपन, हाँ, वो सब देखने गए, प्रॉपर्टी सब देखने गए, आयुष को बुलाया, आयुष सब हुआ, उसके बाद घर पे गए तो लालू मेरे को लेके गया, सूट पे गए जयराज के वहाँ, वहाँ से डायरेक्ट डिंडोली लालू के घर के पास, वहाँ से लालू ने बोला तू मेरी गाड़ी लेके चला जा, मैं घर पे तेरे को रखने नहीं आ रहा। तो मैं उसकी गाड़ी लेके निकला और लालू रोहित को रख के रोहित की गाड़ी लेके गया। अब आज सुबह की बात, सुबह मेरे को जाने, मैं रेडी वेडी हो गया एकदम, मैं चल निकलता हूँ, लालू की गाड़ी लेके जाना है, मम्मी बोली लालू की गाड़ी तो भाई लेके गया। मैं भाई लेके गया तो, और सुबह पापा को और लालू को एक काम था, वो दोनों बेस्टी लोग को काम था कुछ। तो पापा राह देख रहे लालू की, के लालू को लेके जाना है, साइन करने कुछ काम था। तो मैंने बोला अब कैसे होगा, लालू के पास रोहित की गाड़ी,
मैं सुबह इधर आ गया हाँ तो नहीं बैटरी पे आते हैं अभी बहुत लंबा पिक्चर लालू ने बोला कि तू इधर आ जा और रोहित तेरे को लेके चला जाएगा तू मेरी गाड़ी लेके इधर आ जा मैंने बोला तेरी गाड़ी तो मेरा भाई लेके चला गया कि वो माँ भाड़ी अब कैसे मैंने फिर बोला मेरे पापा को कि आप हम दोनों चलते हैं लालू के घर वहाँ पे मैं और मेरे पापा लालू के घर चले गए और लालू के पास थी रोहित की गाड़ी वो मैंने ले ली लालू और मेरे पापा की गाड़ी पे निकल गए रोहित की गाड़ी मैंने ले ली मैं और रोहित इधर आए यही नहीं अभी और सुनिए अब बुलेट मेरी पड़ी थी मैंने बोला कि मैं तेरे को चाबी दे दूंगा मेरे पापा का काम खत्म करके तू बुलेट के पास पहुंच जाना बुलेट लेके इधर आ जाना बराबर तो मैं निकल गया उसके बाद इसका फोन आया कि चाबी मैंने बोला मेरे पास ही रह गई भाई वाह 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 फिर पीछे का बोला चाबी मैंने दूसरी बताई है हां मेरे पापा ने बोला दूसरी चाबी है घर से ले लेते फिर घर से चाबी लिया गया हम लोग तो वहां पे गए थे काम के लिए उसके सनी के पापा ने तो वहां पे आया वहां पे बंदी का फोन आया रोशन का कहाँ पे बोले मैं भी नजदीक में तो मेरी गाड़ी लेके वहाँ पे आया फिर बुलेट का चाबी उसको दिया वो उसके पापा के साथ वो चला गया भैया मैं क्या सोचूं भैया मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा ना दिमाग नहीं चल रहा है और ये इधर उसकी गाड़ी लेके आया और मेरे पापा ने बुलेट के बाद उसको रखा आप सब अपने घर पे सही सलामत बजाओ ताली ये सारी फुटेज रिकॉर्ड करने की थी अरे रिकॉर्ड तो अभी की ना मेरे को क्या पता ऐसा होने वाला है सुबह ये सारा पिक्चर खुला भाई इतना सारा गोलमाल ये तो साला ऐसा हो गया आईपीएल के बीच में वर्ल्ड कप की याद दिला रहा है भाई अभी किसी ने कमेंट की दो चार लोग ने उर्विल भाई कार में टंग से खेल रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को नहीं पता क्या कर रहा है ये मेरे को ना हम सच में मतलब दो दिन से इधर कुछ हो रहा है किस जगह पे कुछ हो रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं कुछ तो मेरे लेकिन ये कर क्या रहा है तू देख कंटिन्यू रखा है दिखा कंटिन्यू ये वो नहीं वो भी है लोजे ये देख कंटिन्यू भाई मेरे को सच में दो दिन से ना इधर कुछ हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को भी मैंने भी नहीं देखा था ये तो कमेंट आई इसलिए पता चला देखो वापिस मारा वापिस चल नमो नमो मोर्चा भारत अपनो हार्दिक स्वागत सोचो अगर यहाँ पे दोपहर में ये जो प्रोग्राम दोपहर में होता तो नमो नमो मैयत भारत हो जाता हम इधर वेस्ट साइड आए कुछ काम से यहाँ पे कुछ घर का भी सामान ये लोग बेचने लग गए तो ये चाय गोल्डन चाय निकालने की छन्नी है 400 रुपए की ये लेके जाएंगे घर पे तो मम्मी छन्नी के साथ हमको बाहर निकले चल भाई चल निकल ले भाई निकल 400 रुपया नु आवे 40 रुपया नहीं चार लो लेकिन है सब बहुत मस्त सामान नए घर के लिए सामान लेने निकलेंगे ना तभी ऐसे सब जगह पे आएंगे ये मेन है अच्छी है चीजें तो सारी भाई अंदर इतना अच्छा लग रहा था बाहर आते ही गरम गरम इतने शाम हो गई है इतनी फिर भी इतनी गर्मी है यहाँ पे हमारे यहाँ 45 डिग्री थी आज आपके यहाँ कितनी थी कमेंट करो 44 थी सॉरी बाबू मेला बाबू
पूजा चल रही है भाई, मेरे को लगी है खतरनाक वाली भूख। मम्मी को बोलूंगा कुछ बना के, तो कुछ अच्छा सा मस्त वाला। अरे बस कर भाई, और पागल करके पीछा छोड़ दे। चल बहुत भूख लगी है, चल फटाफट दाल बना। कुछ और दूसरा बना। कौन दूसरा? कहीं भी हैवी कहीं। यार दाल तो बनाई नहीं दी, अब हूं हैवी चोखा भी बना नहीं। बीजू खा उसे हैवी। तो पहला क्यों भी अंदर आ, कौन खाए पछि पूरे दिन सोता रहता है। चल बड़ा बॉल ला जा। चल बॉल, चल बॉल ला, बॉल ला फटाफट। चलो रम्मा ना बॉल, बॉल 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 का जो बॉल। इसको मेरे को भगवान की भागने की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। ये बहुत सुस्त हो गया है, मैं बहुत टाइम से ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि बाहर के काम थोड़े इधर उधर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा। और ये कंटिन्यूसली थोड़ा भाग लेता है ना, तो उसके बाद उसको वो खींच आ जाए, तो ये अभी ध्यान रखना है मुझे भाई, कि इसको भगाना है, बस ज्यादा से ज्यादा भगाना है। बस आज है दिल्ली और गुजरात की मैच, लेकिन आज बैट लगाने वाला कोई था, बैट मतलब हमें विदाउट पैसे वाली बैट लगा था, कोई था नहीं, क्योंकि थ्रू वेडिंग के सूट पे मिला, लेकिन मैं गुजरात के साथ हूँ। मेरा सिंपल है, ऐसे महेंद्र सिंह धोनी अपना CSK, लेकिन जब CSK का मैच नहीं हुआ तब गुजरात, ये दोनों टीम है अपनी। गुजरात इसलिए क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात को सपोर्ट करना चाहिए।